रूपमा अपने पति अनिक के अंगूठे पे लोशन लगाती है जो कि वो सोए हुए रहता है। रूपमा आज एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है। लोशन लगाने के बाद रूपमा जानबूझकर एक बोतल नीचे गिराती है और वो बेड के नीचे छुप जाती है। वो आवाज सुनकर अनिक की नींद टूट जाती है। वो अपने फोन का पैटर्न खोलकर मैसेज चेक करने लगता है। आसपास कोई नहीं है। ये देखते हुए वो फोन को बगल में रखकर दूसरी तरफ मुंह करके फिर सो जाता है। रूपमा धीरे धीरे बेड के नीचे से बाहर आकर अनिक के फोन में पाउडर लगाकर फूंक मारती है और पैटर्न क्या है ये जान जाती है। फिर फोन को अनलॉक करती है। मोबाइल में एक अननोन नंबर से मैसेज आए हुए रहते हैं। लिखा होता है, तुम्हारा सामान रेडी है, टाइम से आ जाना। रूपमा इधर से मैसेज का रिप्लाई करती है, तुम कब अवेलेबल रहोगे? रूपमा मन में सोचती है, अब मैं तुमको रंगे हाथ पकड़ूंगी। तब तक उधर से रिप्लाई आता है, शाम 4:30 बजे। रूपमा अपना भेजा हुआ रिप्लाई डिलीट करके फोन जगह पर रख देती है। शाम को अनिक रूपमा से कहता है, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। रूपमा ने पूछा, कहाँ जाओगे? मुझे भी साथ लेकर चलो, मैं अकेले घर पर बोर हो जाऊंगी। अनिक कहता है, अभी पॉसिबल नहीं है, थोड़ा पर्सनल काम है। रूपमा बहुत गुस्सा होती है पर अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और मन ही मन में सोचती है, मुझे सब पता है, तुम किसी लड़की से मिलने जा रहे हो। रूपमा अनिक को फॉलो करते करते एक रेस्टोरेंट में जा पहुंचती है। फिर अपने बॉयफ्रेंड सुनील को कॉल करके पूछती है, कहाँ हो तुम? मैं तुमको एक एड्रेस मैसेज किया है, उस एड्रेस पे जल्दी से आ जाओ। सुनील भागते हुए आता है और रूपमा से पूछता है, क्या हुआ, कुछ अर्जेंट है? रूपमा कहती है, इतना लेट? सुनील ने कहा, अरे ट्रैफिक में फंस गया था। लेकिन बात क्या है? रूपमा ने कहा, अनिक किसी लड़की से यहाँ मिलने आया है, उसको मैं आज रंगे हाथ पकड़ूंगी, फिर इस बात पे उसको छोड़ देना मेरे लिए आसान हो जाएगा। रूपमा और सुनील साथ में रेस्टोरेंट में आते हैं। रूपमा, कहाँ है वो लड़की? अनिक थोड़ा चौंक जाता है और पूछता है, मतलब कौन लड़की? रूपमा ने कहा, आज तुम जिसके साथ मिलने आए हो वो लड़की। अनिक ने कहा, तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? रूपमा ने कहा, आज मैं तुमको रंगे हाथ पकड़ूंगी, इसलिए उसको यहाँ लेकर आई हूँ। और सुनो, ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है, तुमको छोड़कर मैं इस लड़के से शादी करने वाली हूँ। उसी वक्त उस रेस्टोरेंट का मैनेजर आकर अनिक से बोलता है, सर आपकी बुकिंग्स हो गई है, आप इस कागज पर एक साइन कर दीजिए। रूपमा चौंक जाती है और पूछती है, कैसी बुकिंग और किसके लिए क्या बुकिंग? मैनेजर मैडम, 21 दिन के बाद सर की वाइफ का बर्थडे है, उनको सरप्राइज देने के लिए सर ने यह रेस्टोरेंट बुक किया है। रूपमा को समझ आता है कि उसके लिए ही अनिक ने यह सरप्राइज प्लान किया है। अनिक रूपमा को कुछ बोलने से पहले ही बोलता है, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहो, आज से मैंने तुमको मुक्त कर दिया। अनिक चला जाता है। रूपमा अनिक को रोकने की भी कोशिश नहीं करती। सुनील अनिक को जाते देख वो भी चला जाता है। रूपमा सुनील को रोकने की कोशिश करती है, तुम कहाँ जा रहे हो? सुनील ने कहा, जिस लड़की को अपने पति पर भरोसा नहीं है वो उसे धोखा दे सकती है, क्या गारंटी है कि वो मुझे धोखा नहीं देगी? तुम्हारी जैसी लड़की के साथ रहकर मैं अपना फ्यूचर खराब नहीं करना चाहता। ये बोलते हुए सुनील भी चला जाता है। गद्दार इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ये सबके साथ ऐसा करते हैं, इसलिए ये कभी किसी को अपना नहीं बना पाते। मेरे प्रिय दर्शक, अनिक सब जानने के बाद रूपमा को छोड़ने का जो डिसीजन लेता है, क्या उसने सही किया?